दोस्तों आज की इस वीडियो में यह दिखाने वाला हूँ कि अगर आपने पुरानी कंपनी पीएफ के पैसे नई वाली कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र किया है तो दोस्तों इसमें पहले ईपीएफओ एक्सेप्ट करेगी, बाद में कंपनी के पास जाता है और कंपनी इसे अप्रूव करती है। दोस्तों कभी कभी तो इतना टाइम हो जाता है कि कंपनी कभी अप्रूव करती नहीं, या फिर हो सकता है आपने जो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाली है, हो सकता है आपका डाटा कंपनी पे शो नहीं कर रहा है, यानी दिखा नहीं रहा है, तो इस वजह से अप्रूव नहीं करती है। दोस्तों आपको दोबारा से ट्रांसफ़र को दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी। दोस्तों पीएफ में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, यानी पुरानी कंपनी का पैसा नई वाली कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों इससे पहले क्या है कि आपने जो भी अपने ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाली है तो उसे क्या करना होगा, पहले से कैंसिल करना होगा या रिमूव करना होगा, तभी आप दोबारा से पीएफ ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। दोस्तों यही इस वीडियो में सिर्फ यही दिखाने वाला हूँ कि जो आपने ट्रांसफ़र किया हुआ है उसको किस तरह से कैंसिल करना है, यानी उसे कैसे रिमूव करना है, इसी के ऊपर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अब रिमूव करने के बाद अब किस तरह से आपको ट्रांसफ़र के लिए सबमिट करनी है, तो मैंने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि पीएफ, साइबर कैफे, रिटेलर, सरकारी फॉर्म, गवर्नमेंट स्कीम या स्कॉलरशिप जैसी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर आनी है। दोस्तों इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज इस तरह का ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहां साइड में देख सकते हैं इस तरह के कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, उसमें से आपको क्या करना है, यहां पे एक ऑप्शन है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना क्लिक करने के बाद आपका सेकंड पेज ये वाला ओपन हो जाता है और आप साइड में देख सकते हैं इस तरह का फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला है यूएन नंबर। दोस्तों ये आपको कंपनी की तरफ से 12 डिजिट का यूएन नंबर आपको मिल जाता है, तो इस यूएन नंबर को यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम आपको यहाँ फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपको साइन इन का बटन है, आपको सिंपली साइन इन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सीधे लॉग इन हो जाएंगे, इस तरह का पॉपअप आपको देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ से क्रॉस कर देना है। दोस्तों इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि पुराने पीएफ अकाउंट के पैसे जितने भी नए वाले करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है उसको किस तरह से कैंसिल या रिमूव करनी है। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन सर्विस पे आ जाना है, इसके बाद आपका ट्रेक क्लेम स्टेटस है। दोस्तों इससे पहले कि मैं बता दूँ कि जो भी पुराने पीएफ अकाउंट के पैसे नए वाले पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं वो ये वाला स्टेप को चूज़ की जाती है। दोस्तों किस तरह से ट्रांसफ़र की जाती है मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को पूरा देख लेना। और दोस्तों इसमें मैंने पूरी बारीकी से बताया है, अगर आप कोई भी डाउट आती है तो आप हमसे कमेंट में जरूर बताना, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आपने जो भी ट्रांसफर किया उसको कैसे देखेंगे और किस तरह से कैंसिल करना है, तो यहाँ पे ट्रेक क्लेम स्टेटस है, आपको ट्रेक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन है, आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह का पेज आपको ओपन होता है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस, आपको जितने भी ट्रांसफ़र किए हैं सारे के सारे क्लेम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेरा एक प्रीवियस अकाउंट है जो कि नए वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है और ये कंपनी की तरफ से पेंडिंग है और यहाँ कंपनी का नाम दिखा रखा है। और दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कैंसिल, पहले ऑप्शन नहीं था बट अब कैंसिल आ गया। जैसे कैंसिल के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा आर यू श्योर टू वॉन्ट टू कैंसिल ट्रांसफ़र दिस क्लेम रिक्वेस्ट, तो आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है, आपको जो क्लेम है वो सक्सेसफुली कैंसिल हो जाएगा। आपको थोड़ा लोडिंग लेता है, आपको कुछ देर वेट करनी है, दोस्तों 5 मिनट भी ले सकता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मेरे केस में क्लेम सक्सेसफुली हो चुका है, क्लेम रिक्वेस्ट कैंसिल सक्सेसफुली हो गया है, आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक लेंगे तो आपको यहाँ कुछ देर तक लोडिंग लेगा, आपको वेट करनी है, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से देख सकते हैं हमारा जो कैंसिल का बटन है वो यहाँ से गायब हो गया, हट गया, और यहाँ का ऑप्शन आप देख सकते हैं रिजेक्ट बाय मेंबर, यानी हमने खुद इसको कैंसिल किया है और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।